जैसे ही हम कुलधरा गांव में पहुंचे और कुलधरा गांव का भ्रमण किया, लोगों ने बताया था यहां पर एक भूतों का तहखाना है। वो हमने खोज के बाद पाया जो ये बहुत ही सुंदर मकान पत्थर तराश कर बनाया गया था, उस मकान के अंदर वाले कमरे में वो तहखाना मिला जहाँ पर भूत रहते हैं। भूतिया गांव बताया जाता है। गांव कुलधरा को देख सकते हैं, पत्थरों पर कितनी सुंदर नकाशी की गई है उस समय। और ये देखिए, उस समय कोई पात्र बनाए गए थे किसी काम को लेकर। और ये देखते पतनाला जहाँ से छत का पानी आता है, वो भी बहुत पुराना पत्थर का देखा जा सकता है। यहाँ भी एक और पतनाला लगा हुआ है। ये देख सकते हैं उस समय की बुग्गी जो बैलों के साथ चलती थी, वो भी साफ देखी जा सकती है, यहाँ पर रखी हुई है बिल्कुल खंडर हालात में। उस समय बैलों से चलने वाली बहुत ही सुंदर बैलगाड़ी हुआ करती थी। और कुछ सैलानी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे बात करेंगे, कुलधरा के बारे में जानेंगे। कैसे आए? पुणे से। कुलधरा को देखकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया कंस्ट्रक्शंस हैं। बढ़िया कंस्ट्रक्शन है, देख सकते हैं। आप भी पुणे से आए हैं? बिल्कुल, एक साथ ही तो आए। तो कैसा लग रहा है कुलधरा? देखा, उजड़ा हुआ है बिल्कुल। उजड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं, सब खंडर हो गया है। तो कैसा लग रहा है अब आपको? वो जमाने का डिसीजन है उनका, छोड़ जाओ मगर इज्जत बचाओ। ये देखिए भाई, कितनी अच्छी बात इन्होंने बताई, छोड़ जाओ इज्जत बचाओ, बड़ी अच्छी इन्होंने बात आई। और राजस्थानी जो संस्कृति है उसका देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा गया है खम्मागणी, और यहाँ पर सारंगी बजाते हुए आप देख सकते हैं दिखाया गया है। ये पशु के चारा वारों के लिए था, के लिए हुआ करती थी। ये खोर बोलते थे, पत्थर की खोर बनी होती थी। ये रावण हत्ता नहीं है। आखिर जो लोगों ने हमें बताया था कि गुप्त तहखाना है, वहाँ पर भूत निवास करते हैं रात के समय, और यहाँ से बाहर निकलकर गांव में इधर उधर घूमते हैं, कहते हैं कि ज़ोरदार भूतों की आवाज़ आती है, डरावनी आवाज़ यहाँ पर सुनी जाती है, जैसा कि लोगों ने बताया था, वही गुप्त सुरंग, गुप्त तहखाना आखिरकार हमें हमारे संवाददाता को हमें मिल ही गया। देख सकते हैं सब कुछ तहस नहस, और यहाँ पर खाली बोतलें पड़ी नज़र आ रही हैं। इसी तरह की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए डीएन हरियाणा के साथ। डीएन हरियाणा के लिए मैं दिनेश जुलानिया, कुलधरा।